पहले आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ, आज हम लोग हम हैं बनारसी गुरु। जी हाँ, आपने सही सुना, हम हैं बनारसी गुरु के सेट पे। हमारे साथ में डबल कैरेक्टर अमित राय, नेक दिल इंसान, जो बोलते मुंह पर बोलते हैं, ना किसी का डर ना किसी की परवाह, जो होगा देखा जाएगा। आज अमित जी से एक सवाल है। अमित जी, हम हैं बनारसी गुरु, जब आपने एक फिल्म बनाने की कोशिश की, इस फिल्म को आज लास्ट दिन है हम लोग शायद, सिर्फ गाने बचे, एक दो तीन चार गाने बचे जो भी कंप्लीट हो जाए, मतलब फिल्म कंप्लीट होने पे। अमित जी, आपसे बहुत छोटा सा सवाल है, आप इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और कहते हैं कि डायरेक्टर एक बाप होता है, जिस तरह हम ट्रेन में इंजन चलाते हैं ना, उस तरह हम भी, हमारे इंजन है। आज कितना भी, आज 60 से 70 लोग आपके लिए अंदर है। अमित जी, आपके अंदर कैसी ख्याल आ रही है जो फिल्म आप बना रहे हैं? सर सर, मैं डायरेक्टर अमित राय, आप सभी भाइयों का करता हूं दिल से स्वागत। इस चैनल से जुड़े रहिए, जितने दर्शक हैं देखिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। मेरा अगर जवाब, मेरा अगर सवाल आपको अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक और एक कमेंट जरूर करिए। अगर आप भोजपुरी से जुड़े हैं तो यार आप हमारे दिल में बैठे हैं। इतना कहना है भाई साहब का कि मतलब क्या सफर रहा। सफर तो यार होता है उन लोगों का जिसका सफर, हम तो सफर में ही जो है तन्हा रहते हैं, अब खुश है, मस्त है। अगला सवाल पूछ सकते हैं अमित भैया, मुझे जहाँ तक लगता है 7-8 साल से मैं आपसे जुड़ा हूँ। एटलीस्ट एल्बम का बेताज बादशाह बोला जाता था, और मुझे, मैं जब एल्बम तो करता नहीं था, लेकिन इन्होंने मुझे चस्का लगाया। वो दौर और आज का दौर, आज हमें भी खुशी होती है कि आज ये एक उस लेवल के डायरेक्टर हो गए हैं जिनसे लोग मिलने के लिए सोचना पड़ रहा है इस वक्त। अमित जी, आपने इस फिल्म को बनाया और फिल्म अब एंडिंग पे है, हमारा सवाल आपसे यही है कि हमने भी खुद आपको देखा कि आपको चोट भी लगी, दर्द भी हुआ, लेकिन आपका एक ही जवाब है ना जिंदा। अमित जी, कुछ आप इस फिल्म को लेकर एक ऐसी घटना बताइए जो शायद जिंदगी में हम सबको याद रहे। एक दो दिन पहले तभी तो मुद्दा भी हम उठाए थे, मुद्दा इस हिसाब का था कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री आप देख रहे हैं कि मराठी फिल्में जो है मल्टीप्लेक्स में लगती हैं, भोजपुरी फिल्में नहीं लगती, गुजराती फिल्में मल्टीप्लेक्स में लगती हैं, भोजपुरी नहीं लगती, कोई भी हिंदी फिल्में लगती हैं भोजपुरी नहीं लगती, भोजपुरी क्यों नहीं लगती? मेरा यही कहना है कि आप सब ये बताइए, दिल से बताइए कि आजकल भोजपुरी इसलिए नहीं लगती है, क्या भोजपुरी मतलब हर जगह बन रहा है? अरे उतनी पावर हो गई है भोजपुरी में कि सबसे अच्छा ब्रेकिंग करने वाला हमारा भोजपुरी है और रहेगा, और आगे कुछ दिनों में शायद देखेंगे सस्ती सबसे ऊंची फिल्में आप भोजपुरी बनेगी। और हम गुजारिश करना चाहेंगे कि या तो हमारा सब्सिडी बंद कर दिया जाए, या सेंसर, दोनों सेंसर भी हमारे फिल्मों का ना हो वो ठीक है चलेगा, लेकिन हाथ जोड़ के विनती है, अगर ये सब्सिडी चालू है और सेंसर चालू है तो प्लीज, और सारे कलाकारों से हाथ जोड़ के विनती है भैया, प्यार से अगर सपोर्ट करोगे ठीक है। आप समझते हो दबंग डायरेक्टर अमित राय के बारे में, और सारे लोग हमें जानते हैं कि हम फिर किस रूप में आएंगे, और मजबूरन सरकार को या लोगों को मानना पड़ेगा, हमारी भोजपुरी भी हमारी शान है। नमस्कार, बताइए। बहुत ही अच्छा जवाब। कहते हैं इसे जुनून, इसे कहते हैं पागलपन, इसे कहते हैं दीवानापन भी प्यार की भाषा में। इन्होंने जो अभी इन्होंने कहा मल्टीप्लेक्स की बातें हो रही थी कि हमारी भोजपुरी मल्टीप्लेक्स में लगनी चाहिए, जी हाँ, मैं सभी यूनिट के जितने भी सारे लोग हैं सभी लोग इस चीज़ के लिए आगे बढ़िए, अमित भाई को आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर ये कोई भी मुद्दा अगर खड़ा कर रहे हैं इस पर तो हम सबके भलाई के लिए कर रहे हैं। एक डायरेक्टर के चलते 70 लोग 80 लोगों का घर चलता है, एक प्रोड्यूसर के चलते वो फिल्म इसलिए बनाता है कि उसका नाम हो, वो पैसे कमाए, वो कहाँ से पैसा लेकर आता है, क्या बेच कर आता है, किसी को नहीं मालूम, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं सहता है। अमित भाई को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि टू बी सैल्यूट भाई, जय हिंद। चलिए, इसी के साथ मैं डायरेक्टर अमित राय आप सभी से लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट मूवी में 2 दिन बाद, फिर एक हमारी फिल्म हमारे नाम से जो कि हमारे प्रोड्यूसर साहब रखे हैं, धवन डायरेक्टर अमित राय, और आ रही है जल्द, वो मूवी का शूट लगा रहे हैं 2 दिन बाद, और आप सभी खूब सारा उसको प्यार दिला, आशीर्वाद देना, और हम बुलाना चाहेंगे अपने फिल्म प्रोड्यूसर केशव जी, केशव जी को, केशव जी, थैंक यू। भैया, जैसे भी आप बता रहे हैं फिल्म के बारे में, आप रुपेश जी के बारे में बताओ, क्या कहना चाहेंगे? रुपेश जी से मेरी 7-8 साल पुरानी दोस्ती है, लेकिन पहली बार इनके साथ
साल में रुपये एक केमिस्ट्री बना के काम किया और बहुत अच्छा कलाकार है, मेरा भाई है, दोस्त है, और मैं माता में से यही प्रार्थना करता हूँ जिस तरह मैं हर लोगों के लिए दुआ करता हूँ, कोई मुझे दुश्मन भी समझता है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हर किसी के लिए दुआ करता हूँ। तो मैं प्रिंस भाई के लिए यही कहना चाहूँगा, घर भी पूजा है, मेहनत करते रहो भाई, आगे निकल जाओगे। रुपेश जी क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? बनारसी है गुरु, इस फिल्म में मैं आया था तो नेगेटिव फिल्म के लिए बोल रहा, जैसा आप सभी जानते हैं, सारे दर्शक जानते हैं कि मैं नेगेटिव वो नहीं करता हूँ, और लगातार मेरी ये पांचवी फिल्म हो चुकी है, मेन लीड नेगेटिव कैरेक्टर, बस मेरा भाई महान फाइटर एक रक्षा, कोई प्यार न दोबारा, प्रेम धारा। अब इसके बाद अमित हमारे दबंग डायरेक्टर, मेरे प्यारे डायरेक्टर, उन्होंने मुझे मेरा लुक देखा, लुक देखने का एक नया लुक उन्होंने मुझको दिया, और उसके साथ एक थर्ड मेन लीड कैरेक्टर मुझे दिया, जिससे मैं वेरी बहुत ही एक्साइटेड और वेरी एक्साइटेड कि फिल्म आए, जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि मैंने काम बहुत अच्छा किया, बहुत लगन से किया है और दिल से किया है। आशा करता हूँ दर्शकों को पसंद आएगा और अपना आशीर्वाद प्यार इसी तरह से देते हैं। आपका और पावर जो साथ में खड़े हैं, कैसा केमिस्ट्री होने वाली है? बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, कॉमिक केमिस्ट्री भी है, सीरियस भी है इसमें, और तीन हीरो की कहानी है, त्रिदेव की कहानी है, जो कि दर्शकों का काफी पसंद आएगा। आपकी हीरोइन है सपना जी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरी फिल्म की हीरोइन काफी ज्यादा अच्छा, हम लोगों ने अच्छा अनुभव किया, अच्छा काम किया, और सपना जी के साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा। सपना जी क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर के? सर, ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, काफी रोमांटिक है, हर एक से देखा जाए तो एक्शन भी है और कॉमेडी भी है, जैसा कि आनंद जी के साथ काम करके फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि ये पावर स्टार बोले थे एडियम पावर, और मैं चाहूँगी हमेशा मेरे साथ काम यू ही करती रहूँ। क्या कैरेक्टर है इसमें आपका? एज अ आर्टिस्ट बोले थे हीरोइन का कैरेक्टर, हाँ इनके साथ ही हूँ, मेरे साथ भी बट लास्ट में इनके साथ। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी फिल्म के जो डायरेक्टर है अमित राय जी, बोले तो दबंग डायरेक्टर, बहुत ही अच्छे हैं, गुड प्लान। फिल्म की पूरी शूटिंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, ये फिल्म बहुत अच्छी है, बाकी आनंद जी बताएंगे। इस फिल्म को लेकर भैया दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? कुछ अलग है, ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि जैसे आप सभी लोगों को नाम मालूम ही है, हम बनारसी है, जब टाइटल हिट हो तो फिल्म कितनी बड़ी हिट होगी आने वाला वक्त बताएगा। थैंक यू सो मच भैया। अमित जी, आपके निर्देशन में आज एक अच्छा खूबसूरत गाना शूट हुआ, क्या कहना चाहेंगे? आइटम सॉन्ग, पहले तो हम सभी दर्शकों को प्रणाम कर रहे हैं, मैं डायरेक्टर अमित राय आप सभी भाइयों से दिल से स्वागत कर रहा हूँ, इस चैनल से जुड़े हुए सारे दर्शकों को प्रणाम है, और भाई को प्यार आशीर्वाद खूब दबा के देते रहिए, और हम यही कहना चाहेंगे कि बच्चे मेहनत करते रहे, हमारे यहाँ लोग आते हैं एक अच्छी साफ सुथरी फिल्में करते हैं और उसमें बहुत खुश रहते हैं। मैडम जी क्या कहना चाहेंगे सर के निर्देशन में आपने? नमस्कार, मेरा नाम डोली गुप्ता है और मैं लखनऊ से हूँ, अमित जी के साथ फर्स्ट टाइम मैं वर्क कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ काम करके, और ये लगा कि भोजपुरी में बहुत ही दबंग डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला है, और इन्होंने बहुत ही जितोड़ मेहनत कराई है, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और इनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरी रात इन्होंने मेहनत कराई है। क्या कहना चाहिए सर गाने को लेकर और फिल्म को लेकर? हम मेहनत कराते हैं, पर्दे पे आते हैं, हम पर्दे के पीछे ही रहते हैं हमेशा, लेकिन हम सोचते हैं कि पब्लिक के सामने जाए तो कुछ अच्छा ही, हमने अपनी तरफ से कोशिश अच्छा किया, हम रिस्पॉन्स पब्लिक होता है। और फिल्म का जैसा कि नाम है बताना चाहिए, नाम हम बनारसी है, तो भैया ये नाम रखने का खास कारण क्या? हम बनारसी हैं, डायरेक्टर अमित राय बनारस वाला, इसके बाद दो दिन बाद फिल्म शूट करने जा भी रहे हैं, दबंग डायरेक्टर अमित राय उनको छोड़ दीजिए, दो दिन बाद जो हम फिल्म शूट करने जा रहे हैं उस फिल्म का नाम भी है दबंग डायरेक्टर अमित राय। तो आपके नाम पे ही फिल्म बनने जा रही है? नाम पे गाने भी 6-7 सुने हैं, दीपक त्रिपाठी से काफी सुंदर गाए हुए हैं। तो ये जो दबंग डायरेक्टर अमित राय जो फिल्म बनने जा रही है क्या खास होगा इसमें? रीजन है, कुछ डायरेक्टर हैं, कुछ प्रोड्यूसर हैं, कुछ गरीब बच्चों से बुलाते हैं तो हम आपको हीरो बना देंगे और हम आपको हीरो बना देंगे, बना देंगे, कुछ भी बनाता नहीं है,
लेकिन आप एक चीज़ देखे हैं सब पैसे लेके बैठ जाते हैं और काफ़ी लाई बात मैं लोग की बजाया हूँ बाजार जितना हो सकता है मैं उनको पूरा हेल्प किया हूँ और 100 से 150 लोगों तक मैं कार्ड अपने खुद के पैसे से मैंने पहुँचाया हूँ। मैं बड़े बड़े स्टार है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे पता हो स्टार नहीं है तो अपना पेट भरने में लग जाए, कोई एक प्रोड्यूसर का नाम लोग बता दें इस कमा के फिल्म से गाड़ी खरीदा हो, कोई नहीं खरीदा है। हाँ एक भैया है बहुत सारे रुपया इस फिल्म को लेकर दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कोई भी फिल्म के नाम पे अगर कहीं पैसे मांग रहा है जुड़िए हमारे फेसबुक से। बहुत प्यारी गुड़िया है और बहुत प्यारी गुड़िया है और काम अच्छा की और हमको चाहेंगे बच्ची का खूब सारा सपोर्ट करें, बच्चे खूब सारा प्यार छोटे भाइयों को इनका पूजनी है और इन्होंने मेरे इस फिल्म में बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। आज हम जैसे कहेंगे पिता बाप को सपोर्ट करता है और फिल्म बन रही है कम भाई बन रही है, मैं चाहूँगा कि ये भी सब मिले इस मीडिया को बताएं समझाएं कि सपोर्ट करना चाहिए जो आदमी आगे निकल सकते बताएं सर। हमारे बनारसी गुरु क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार नमस्कार, मैं आप सबको पहले नमस्ते करता हूँ और मैं सबसे पहले ये क्रेडिट केशव भाई को दूंगा जिनके वजह से ये मुझे लाइन मिली है और मैं इस लाइन में इन्वॉल्व हुआ हूँ। हम दोनों मिलकर के इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले से कि हम हैं बनारसी ग्रुप ये बहुत सुपरहिट फिल्म होगा और आप सबसे विनती करता हूँ कि आप सब सहयोग करें और जितना हो सकता है इसको आप लाइक करें, धन्यवाद। सर जैसे कि कहते हैं बनारस में सब गुरु होता चेला कोई नहीं होता, तो कहीं वो थीम इस फिल्म में भी दिखेगा क्या? जी जी बिल्कुल दिखेगा क्योंकि बनारस सबका गुरु है
बनारस इस पूरे विश्व का एक स्तंभ है और ये बहुत बड़े पुराणों में ये सब बात वर्जित है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इस पर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बनारस सचमुच का गुरु है। और जो फिल्म के डायरेक्टर अमित राय जी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे डायरेक्टर बहुत दबंग डायरेक्टर हैं और हमें बहुत उम्मीद है हम लोगों को उनसे कि आज तक जितने भी उन्होंने फिल्म दिया है सब सुपर हिट फिल्म दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये फिल्म को भी चांद तक लेकर के जाएंगे और बहुत बहुत शुभकामना दे रहा हूं उनको कि हाँ उनके डायरेक्शन में ये फिल्म, उनके बैनर तले ये फिल्म बहुत ऊंची छलांग लगाएगी। थैंक यू सर। अच्छा धन्यवाद सर। जहाँ तक बात है डायरेक्टर की बात है, डायरेक्टर के प्रोत्साहन और पावर से मैं इस फिल्म को कर रहा हूँ। हमारे अंदर पावर नहीं थे मैं कर पाऊँ क्योंकि मैं होपलेस हो रहा था, बट अमित राय जी ने जो दबंगई दिखाया मेरे साथ में बहुत मजा आया और उनके साथ काम करने का मजा कुछ और है, अंदाज भी कुछ और है। बहुत जबरदस्त सपोर्टर एक नंबर के सपोर्ट करके है, जैसे मैं नहीं कुछ कर पाया वो खुद करके दिखाया कि मैं ही खुद कर दिया। मेरे को जो करना चाहिए प्रोड्यूसर करता है वो मैं नहीं कर पाता हूँ, खुद ही प्रोड्यूसर मुझे काम करने लगते हैं, सारा काम ले आना ले जाना सारा काम करते हैं, ठीक है। मेरे कुछ करने जरूरत नहीं पड़ता, मैं तो साथ साथ चलता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, ठीक है। डायरेक्शन भी करते हैं, प्रोड्यूसर भी काम करते हैं, मैं एक सपोर्टर हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ मानना पड़ेगा वो छोटे भाई को, मैं भी उनका पीठ थपथपाया, मैं बोला कि आप बहुत बढ़िया हैं, बहुत ब्रिलियंट आदमी हैं, भगवान करे कि आप ऐसे सबका सपोर्ट करते हैं, आगे निकलते रहें, ठीक है। मैं एक शब्द कहूँगा जी जी अमित भाई के ऊपर कि जैसे वन मैन शो होता है, हमारे अमित भाई उसी तरीके से वन मैन शो है और वो इस शो को इस तरीके से दिखला रहे हैं। बहुत सारे फिल्म उन्होंने किया है लेकिन इस फिल्म को ऐसे उन्होंने प्रोड्यूस किया, ऐसे वो प्यार कर रहे हैं इस फिल्म को कि लगता है कि हाँ फिल्म जगत में एक बार ये हंगामा मचाएगा। हम हैं बनारसी गुरु। बिल्कुल बिल्कुल दबंग मित्र, जय हो जय हो जय हो। नई फिल्म ऊपर से उनका नाम भी बनारसी गुरु, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सारे हमारे दर्शक और भोजपुरी समाज को जीतू शुक्ला का नमस्कार प्रणाम। और बहुत ही सुंदर फिल्म बन रही है, पारिवारिक फिल्म है, हमें बनारसी गुरु नाम ही अपने आप में बहुत काफ़ी है। तो और लोकेशन इतना प्यारा है कि यहाँ पे शूट करने में बहुत आनंद आ रहा है। हमारे हीरो है आनंद मिश्रा जी और सपना जी हीरोइन है, अर्चना जी है। मैं इसमें निगेटिव कर रहा हूँ, एक नया लुक है आपके सामने ही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। क्या किरदार है इसमें, क्या रोल निभा रहा है? इसमें मेरा एक्चुअली डबल किरदार है, एक मेरा पहले मतलब होता ना कि जवानी का दिखाया गया, उसके बाद हम सडनली बाद में जब बड़े होते हैं तो यहाँ के विधायक बनते हैं, इसी ऊपर पूरी कहानी है, बहुत अच्छा है। और इसके डायरेक्टर हमारे अमित राय जी, काम करने में बहुत ही मजा आ रहा है। और फिल्म के पूरी टीम के बारे में क्या कहना, अमित जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टीम के बारे में बताना चाहूंगा कि बहुत ही आनंद है और अच्छा है। और इसका प्रोडक्शन देख रहे हैं हमारे अजय भाई जो कि बहुत सुलझे हुए हैं और बहुत सारी फिल्में उनके साथ भी करने जा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और इसी फिल्म के बाद हम नेक्स्ट फिल्म भी अभी करने जा रहे हैं, जैसे हमारा ये फिल्म हो जाता है उसी के बाद तुरंत हमारी दूसरी फिल्म। अमित राय जी दबंग डायरेक्टर, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि एक बंदा ऐसा है कि जो सच्चाई को मुँह से बोल देता है, डायरेक्टर है और दबंग है जो बोल देता है जी, क्योंकि सच्चाई जो है सब कोई नहीं बोल पाते हैं, इसलिए अच्छा है। और बोलते हैं ना कि साफ सुथरी फिल्म बनाता है और साफ सुथरी बातें करता है, जो बोलता है विभाग बोलता है, उसमें कोई इधर का उधर उधर इधर नहीं, एकदम क्लियर कट बोलने वाला बनता है। ये आप क्या कहना चाहेंगे हम हैं बनारसी गुरु को लेकर के? हम हैं बनारसी गुरु के लिए, मैं सबसे पहले डायरेक्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा फिल्म लाया है जो कि भोजपुरिया समाज में ये फिल्म जाएगा, तो बहुत ही अच्छा मूवी है। और सबसे बड़ी बात एक हम जो हमारे डायरेक्टर हैं दबंग डायरेक्टर श्री अमित राय जी, मैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो कि सच्चाई को हमेशा रूबरू करते हैं, कोई पीछे की बात नहीं, जो सच होता है उसको हमेशा लाते हैं और सच्चाई का हमेशा सपोर्ट करते हैं। फिर से मैं अमित राय जी का, दबंग डायरेक्टर अमित राय जी का धन्यवाद करता हूँ। तो आप क्या कहना चाहें फिल्म को लेकर, क्या कहना चाहें? हम हैं बनारसी गुरु।
सर मैं हम हैं बनारसी ग्रुप फिल्म एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है और मैं एक बात और कहना चाहूँगा अमित राय जी के बारे में क्योंकि वो इतने अच्छे इंसान हैं इसलिए उनको कहा जाता है दबंग डायरेक्टर क्योंकि मैंने देखा है कि अमित राय जी ने कई गरीब कलाकारों को फ्री में कार्ड कम से कम लाखों रुपए का कार्ड फ्री में बना के दिया है इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उनके साथ काम करके बहुत खुश हूँ कि ऐसे डायरेक्टर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और मैं लुधियाना से आया हुआ हूँ यहाँ पे काम करने के लिए थैंक यू प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट